आमतौर पर पुलिस वालों की छवि नकारात्मक ही नजर आती है, लेकिन कभी कभी वह ऐसा काम कर जाते हैं जो काबिले तारीफ होता है। ऐसी ही पुलिस की मानवीयता से भरी तस्वीर सामने आई है, जब पुलिस वालों ने बिना समय गंवाए शासकीय वाहन से प्रसूता महिला व उसके नवजात बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। खामिनखेड़ा निवासी फूल सिंह यादव के परिवार की एक महिला की डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी के लिए परिवार ई रिक्शा के जरिए प्रसूता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया। जब परिवार प्रसूता और बच्ची को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो वहां पर ताला लगा था। ऐसे में जब महिला के परिजनों को कुछ नहीं सूझा तो वह सरवई थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने थाना प्रभारी को आपबीती सुनाई। परिवार की बात सुनकर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह जादौन ने प्रधान आरक्षक राकेश सिंह अहिरवार व आरक्षक सुनील प्रजापति को साथ लेकर शासकीय वाहन से बिना समय गंवाए प्रसूता और नवजात और उसके परिजनों को तत्काल गौरीहार सामुदायिक केंद्र पहुंचाया, जहां प्रसूता और नवजात बच्चे को भर्ती किया गया। सरवई से गौरीहार की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। ऐसे में समय पर प्रसूता व नवजात बच्चे को उपचार मिलना अत्यंत आवश्यक था। पुलिस प्रशासन के सराहनीय कार्य से सभी लोगों की जमकर तारीफ की है। डिलीवरी थी हमारे पास, जब हम यहाँ से मुड़ के गए तो रास्ते में हो गई, तो इसलिए पुलिस से हम सहायता लिए आ गए। हम पुलिस वाले इनको क्या कहना, हमारे साथ मदद की है, बहुत अच्छा काम किया। वो सरवई थाना प्रभारी कल रात ही गश्त में थे तो एक महिला जो कि प्रसव पीड़ा से उसको हो रही थी और शायद अस्पताल में उस वक्त सरवई में जो PHC है वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, तो इन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको गौरीहार के अस्पताल पहुँचाया। और निश्चित तौर पे गश्त के साथ ये थाना प्रभारी ने एक बहुत ही अनुकरणीय काम किया है कि जिसको हम बोलते हैं कि लोगों की हेल्प करने का, और मेरे द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।